नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूँ अपने YouTube चैनल पर, जिसको मैं पढ़ाऊंगा आज एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट को हिंदी में कहते हैं घातांक। ठीक, जैसे कि मान लीजिए a की पावर n लिखा हुआ है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, a इंटू a, ये डॉट 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 जाएगा n टाइम तक। ठीक, इसी को हम लोग बोलते हैं घात। ये जो पावर में, तो इसको हम लोग बोलते हैं घात। क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। और जो ये होता है, इसको हम लोग बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस। बेस मतलब होता है आधार। यदि मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ a की पावर n, तो इसको बोलते हैं घात, और इंग्लिश में बोलते हैं पावर। और क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, a को, इसको बोलेंगे आधार, और क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। ठीक, जैसे कि मैं आगे एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा आपको। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि कुछ फार्मूले हैं जो कि एक्सपोनेंट को करने के लिए और उसको जानने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे देखिए, मैं पहला फार्मूला बताता हूँ कि यदि a की पावर m है और a की पावर n है, देखिए दोनों का बेस जब सेम हो तो पावर को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो a की पावर m प्लस n हो गया। ठीक, दूसरा फार्मूला क्या है, a की पावर m की पावर यदि n है, तो इन दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। यदि ए भी है, कोई संख्या दो आपस में मल्टीप्लाई, उसके पावर में या उसके घात में एम है, तो ये घात जो है दोनों में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब ए के पावर एम और बी के पावर एम हो जाएगा। यदि बटा में, मतलब फ्रैक्शन में ए बाई बी है और उसके पावर एम है, तो घात जो है दोनों के पावर में हो जाएगा, ए के पावर एम और बी के पावर एम में हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि ए के पावर एम और बी, ए के पावर एन, यहाँ पर देखिए दोनों का जो है बेस कितना है, सेम है, ए और ए है, लेकिन पावर डिफरेंस है। और पावर अगर सेम रहेगा तो कट जाएगा, लेकिन पावर डिफरेंस है, तो हम जब a की पावर n को जब ऊपर लेके जाएंगे, तो इसका पावर क्या हो जाता है, माइनस में हो जाएगा, और दोनों का फिर से बेस सेम होगा, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने का मतलब m, और इसके पास साइन n माइनस थी, तो a m माइनस n हो जाएगा। ठीक, आगे आ जाइए, यदि a की पावर जीरो होता है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, वन होती है। ए के पावर जीरो की वैल्यू क्या होती है, वन होती है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, ये किसी के भी, मतलब कुछ भी ले लेंगे, मान लीजिए फाइव ले लेते हैं, फाइव के पावर यदि जीरो रखेंगे, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए, ए के पावर यदि माइनस एन है, तो माइनस की साइन हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हटाना चाहेंगे, तो नीचे करेंगे, तो ए के पावर ए के वन बाई ए के पावर एन हो जाएगा, प्लस एन हो जाएगा। वही अगर ए के पावर एन है, इसको अगर पलटेंगे, तो वन बाई ए के पावर माइनस एन हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है कि ए बी के पावर, मतलब a बाई बी के पावर माइनस एम है, और इसको यदि हम प्लस में चेंज करना चाहते हैं, तो अंदर के क्या करेंगे, फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर देंगे, मतलब b बाई ए कर देंगे, तो ये पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। दोस्तों, मैं आप कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं। ठीक, जैसे देखिए, सेवन के पावर माइनस टू और सेवन के पावर फोर, दोनों का बेस सेम, इसको जोड़ के कर देंगे, कितना हो जाएगा, सेवन के पावर प्लस टू हो जाएगा। और जब इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो इसकी साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और जब इसकी साइन चेंज होगी, तो सेवन के पावर प्लस फाइव हो जाएगा, इसका मतलब सेवन के पावर सेवन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए, टू की पावर थ्री है और नाइन की पावर जीरो है, टू की पावर थ्री है, नाइन की पावर जीरो, और थ्री की पावर थ्री, ना इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। आपको पता है, किसी भी संख्या के पावर अगर जीरो होगी, तो उसकी वैल्यू वन हो जाएगी। टू की पावर थ्री और थ्री की पावर थ्री, ध्यान दीजिएगा, बच्चा क्या क्या, टू की पावर थ्री इंटू थ्री के पावर थ्री, दोनों का जो है घात, मतलब एक्सपोनेंट सेम हो गया, तो दोनों का अंदर मल्टीप्लाई कर देते, मतलब ये हो जाएगा सिक्स के पावर थ्री, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे आ जाइए, देखिए टू के पावर नाइन है, और टू के पावर नाइन, इसके जो देखिए दोनों का बेस सेम है, तो इसके पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। जब इसके पावर ऐड हो जाएंगे, तो लिखेंगे क्या, टू के पावर नाइन के पावर सिक्स में से माइनस थ्री करेंगे, थ्री में से माइनस सिक्स करेंगे, तो कितना हो जाएगा, माइनस थ्री हो जाएगा, इज इक्वल टू टू के पावर नाइन अपॉन में टू एम माइनस वन। जब अब देखिए दोनों का बेस सेम है, तो इसके पावर भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो माइनस थ्री इज इक्वल टू टू एम माइनस वन, इस माइनस वन को इधर लेके आएंगे, तो प्लस वन हो जाएगा, और ये माइनस होकर माइनस टू इज इक्वल टू टू एम, और एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस वन हो जाएगी। एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस वन हो जाएगी। दोस्तों, आप देखिए, ए के पावर बी है, ए बाई बी के पावर एक्स माइनस वन है, और बी बाई ए के पावर एक्स माइनस, दोनों का देखिए बेस सेम नहीं है। जब बेस सेम नहीं है, तो पावर भी सेम नहीं होगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ता है। हम इसको चेंज करें या इसको चेंज करें, बात नहीं करते, हम ए बाई बी को चेंज करते हैं। ए बाई बी को जब हम चेंज करेंगे, तो बी बाई ए करेंगे। जब बी बाई ए करते हैं, तो यहाँ के पावर को क्या करते हैं, प्लस रहता है तो माइनस करते थे, माइनस रहता है तो प्लस करते थे। यहाँ पे माइनस का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते थे, हो जाएगा माइनस एक्स, और माइनस में जब इसका मल्टीप्लाई करते हो जाएगा प्लस वन, इज इक्वल टू बी बाई ए और एक्स माइनस थ्री। अब देखो दोनों का बेस क्या हो गया, सेम हो गया, तो एक्सपोनेंट भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। यहाँ पे हम देखेंगे माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री, तो माइनस प्लस वन को उधर लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, और माइनस
और इस x को इधर लेके आएंगे तो माइनस एक्स माइनस एक्स, और ये उधर जाएगा तो माइनस वन माइनस थ्री, इसको जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस टू एक्स, इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस फोर एक्स, माइनस से माइनस कट जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी टू आ जाएगी, हमारा आंसर हो जाएगा। एक्स की वैल्यू निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाइन के पावर m और थ्री के पावर फाइव और 27 के पावर थ्री है, तो ध्यान दीजिए सबसे पहले इसको थ्री हमको n की वैल्यू फाइंड करनी है, जो n की वैल्यू हमको क्या करनी फाइंड करना है, सबको थ्री थ्री में तोड़ दिया जाए, थ्री के पावर इसको क्या करेंगे थ्री स्क्वायर लिख सकते हो, तो थ्री के पावर थ्री स्क्वायर और इसमें n का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो थ्री के पावर टू n हो जाएगा, इंटू ये थ्री के पावर फाइव है, इसको हम लिख सकते हैं थ्री का क्यूब है, थ्री का क्यूब 27 होता है, तो थ्री का क्यूब जब थ्री का क्यूब लिखेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा थ्री के पावर नाइन हो जाएगा। उसके बाद हम लिख सकते हैं थ्री इंटू 81, थ्री के पावर फोर होता है, तो थ्री के पावर फोर और फोर का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो थ्री के पावर 16 हो जाएगा, ठीक, और इक्वल टू होता हो जाएगा थ्री के पावर थ्री है ये। अब इन दोनों को क्या करें, देखिए सबका पावर सेम हो गया है, इन सभी को ऊपर ले जाइए, तो थ्री के पावर टू एन प्लस फाइव प्लस नाइन, और ये क्या हो जाएगा इन टू ऊपर जब जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा 17, थ्री के पावर माइनस 17 हो जाएगा, इज इक्वल टू थ्री के पावर थ्री। अब इन दोनों का देखिए सेम हो जाएगा, तो लिखेंगे क्या, थ्री के पावर टू एन नाइन नाइन फाइव 14 प्लस 14 माइनस 17 इज इक्वल टू थ्री के पावर थ्री, दोनों का बेस सेम है, अभी जी इसको इक्वल टू कर सकते हैं, तो टू एन प्लस 14 माइनस 17 इज इक्वल टू थ्री, जब ये हो गया इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस 3 इज इक्वल टू थ्री, और ये हो जाएगा 2n, इस इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2n, और n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/2, इसको जब काटेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, हमारा आंसर कितना आ गया 3 आ गया। इसी प्रकार के और भी मैं क्वेश्चन लाता रहूँगा, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बहुत बहुत धन्यवाद।